अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल क्रैच एजुकेशन न्यूज़ में। आज बेसिकली जो हम कंप्यूटर का चैप्टर कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3, ऑफिस ऑटोमेशन। मैं एमसीक्यूज की प्रिपरेशन जो है इसी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल क्रैच एजुकेशन पे डालता रहता हूँ, ठीक है? आप प्ले लिस्ट पर जाओ और वहाँ पर सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है? मैं वहाँ पर डालता रहूँगा और सारे आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट भी मिलते रहेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 का पहला एमसीक्यूज। डैश इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी इन एमएस वर्ड। ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है कि इसके अंदर चार चीजें लाया करती है, क्योंकि ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब कि आपके काम को एक तरीके से आसान बनाएगा। आपका काम जो है मतलब कि आप मैनुअली काम नहीं करोगे, आप ऑटोमेटिक मतलब कि इतना ज्यादा कि अब अगर आप मैनुअल काम कर रहे होते बैठ के वही काम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेपर टाइप एक पेपर लिखना है जो कि 3 से 4 पेजेस का है। अब आप हाथ से लिखोगे बैठ के, आप लिखते रहोगे 6 दिन 7 दिन लग जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि राइटिंग तेज आए आपकी या राइटिंग बहुत मतलब कि स्लो है। स्लो हुआ तो 7 दिन लग जाएंगे, तेज हुआ तो 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है? तो ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस ने क्या किया जिसके अंदर आपके पास एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, फिर एमएस एक्सेस, इस तरह की चीजें आ गई। इसने आपके काम को आसान कर लिया। जो काम आप मैनुअली कर सकते हो 7 दिन में, वो आप टाइप करके बस आपकी कीबोर्ड की टाइपिंग तेज होनी चाहिए, आप 3 घंटे में 4 घंटे में 5 घंटे में आराम से कर सकते हो, ठीक है? अब डैश इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल प्लस बी इन एमएस वर्ड। कंट्रोल प्लस बी का मतलब ये होता है कि भाई आपने कंट्रोल प्लस बी दबाया तो उससे क्या होता है, उससे को ये होगा कि आपका जो टेक्स्ट है, जैसे ये टेक्स्ट है मेरा, ये टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वाजे दिखेगा, थोड़ा जैसे कि अब ये है इस तरीके का हो जाएगा, ये ऊपर जो कंप्यूटर की है ना इस तरीके का हो जाएगा, सही है? उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ग्राफिक फॉर वर्ड प्रोसेसर इज डैश, देखो यार एमएस वर्ड के अंदर ना कुछ ग्राफिक्स भी आप डाल सकते हो, जिसको बेसिकली हम क्लिप आर्ट से कहा जाता है। क्लिप आर्ट के अंदर मुझे पिक्चर्स भी होती हैं, आप डिफरेंट आप ए ये सब ए बीज उस तरीके से बना सकते हो एक आर्ट्स की तरह, तो ये सारी चीजें आपको एमएस वर्ड में मिलेंगे। अच्छा, डैश इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल आर इन एमएस वर्ड, ठीक है? तो कंट्रोल आर एमएस वर्ड, ओपन द प्रिंटर डायलॉग बॉक्स, अपडेट द करंट वेब पेजेस, क्लोज द करंट, ये नन ऑफ द अबव है। एमसीक्यूज नंबर 4 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशनल फीचर। एडिशनल फीचर्स क्या क्या थी 2007 के एमएस के अंदर वर्ड के अंदर, वो ये थी कि भाई आप इजीली एक्सेस कर सकते हो टूल बार्स के अंदर, जो आपके ऊपर जो गिवन है टूल बार्स उसमें आपके पास एमएस बटन होगा, रिबन होगा, ये तो सब कुछ मतलब कि ये सारी कुछ आपको उस एडिशन फीचर में दी हुई थी, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। एमसीक्यूज नंबर 5 के अंदर क्या है कि एक वर्ड का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी आपकी करंट जो विंडो चल रही है वो मतलब बंद कर देंगे। तो इसी तरह ओपन तो कोई भी नहीं करेगा प्रिंटर डायलॉग बॉक्स, प्रिंट डायलॉग बॉक्स का करता है जब आप कंट्रोल पी दबाओगे तो वो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपका कर देता है, ठीक है? कंट्रोल पी दबाओगे आपका कंट्रोल डायलॉग बॉक्स इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, सही है? बट यहाँ पे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या कर रहा है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज कर रहा है आपकी करंट विंडोज जो आपकी चल रही है विंडोज को, उसको क्लोज कर रहा है, सही है? उसके बाद क्या है, डैश की शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक। आप डायरेक्टली स्पेल चेक कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर। स्पेल चेक बेसिकली क्या है कि कोई स्पेलिंग है आप डायरेक्टली वहाँ पे लिखोगे, वहाँ पे चेक कर सकते भाई ये स्पेलिंग मेरी ठीक है या फिर नहीं है, सही है? या फिर आप F7 दबा दो आपको, तभी शॉर्टकट की का चल जाएगा। हेडर्स एंड फुटर्स आर यूज्ड इन एमएस वर्ड। पहले ये जानना जरूरी है कि हेडर्स क्या होते हैं, फुटर्स क्या होते हैं। हेडर्स का मतलब ये होता है कि टॉप का है, ये बेसिकली जो मेरा ऊपर का एरिया है, ठीक है, एक मिनट, ये बेसिकली जो मेरे ऊपर का एरिया है दिस इज कॉल्ड हेडर, ये मेरा हेडर है, सही है? अब हेडर के अंदर मेरा कुछ भी है, जैसे कि कंप्यूटर ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली मेरे हेडर है, सही है? तो और ये नीचे का जो हिस्सा है मेरा, ये वाला जो हिस्सा है, एक मिनट, ये वाला जो मेरा हिस्सा है ये मेरा फुटर कहलाता है। अब फुटर में कुछ भी लिख सकते हो आप चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो पूछ क्या रहे हैं आपसे, ये आपसे कुछ यूं पूछ रहे हैं कि भाई हेडर और फुटर जो है बेसिकली यूज एमएस में क्या होता है, एनहेंस करने के लिए, अपीयरेंस के लिए, या फिर मार्क द स्टार्टिंग ऑफ द पेज, मार्क करने के लिए, या फिर टू मेक लार्ज डॉक्यूमेंट, टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर टू अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड। मतलब कि हेडर फुटर जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स में आता है और ये प्रिंटेड होता है। हाँ, आप इसके अंदर एनहेंस भी कर सकते हैं, अपीयरेंस तो एनहेंस नहीं कर सकते, बट स्टार्टिंग ऑफ द पेज जो है आप हेडर फुटर के अंदर डाल सकते हैं, सही है? एमसीक्यू 8 क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम अ वर्ड टेबल कैन हैव। मतलब कि मिनिमम रोज कितनी होती है 1 by 1 का, 1 row 1 column, 0 नहीं होता जब आप इंसर्ट के बटन पे जाते हो वर्ड के अंदर, और फिर वहां पे जब आप अपना टेबल जनरेट कर रहे हो तो 0 कुछ भी नहीं मायने रखता। या फिर आप 2 by 1 का बनाओगे, सही है, टेबल, या फिर 2 by 2 का टेबल बनाओगे। सबसे मिनिमम का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा जो होगा वो 1 by 1 होगा, सही है, 1 by 1 का। इन एमएस वर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट इज यूज टू। अच्छा, शिफ्ट प्लस डिलीट जब आप दबाओगे, सही है, तो वो बेसिकली आपके कुछ सिलेक्टेड आइटम्स जो है वो डिलीट कर देगा। वो कैसे डिलीट करेगा, सबसे पहले आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल मेरी एक फाइल है जिसके अंदर बहुत ज्यादा थ्रैश फाइल्स हैं। मतलब कि थ्रैश फाइल्स का मतलब है कि वो मेरी यूज के, चलो समझ लो थ्रैश पर आ देते हैं, वो मेरी यूज की फाइल नहीं है, मुझे उसे डिलीट करना है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, कंट्रोल ए डायरेक्टली प्रेस कर लूंगा, या फिर मैं सारी फाइल को अपने माउस के कर्सर से उसको मैं ड्रैग करूंगा, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, ड्रैग करने के बाद वो सारी फाइल मेरी जो है वो हो गया, सिलेक्ट हो गई सारी फाइलें। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्लस डिलीट कर दूंगा। शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होगा कि जो मेरी सिलेक्टेड फाइल्स हैं वो मेरी डिलीट हो जाएंगी, सही है, सिलेक्टेड फाइल जो मैंने सेलेक्ट करी है। और अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो भाई कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो सारी फाइल ऑटोमेटिकली तुम्हारी सिलेक्टेड हो जाएंगी, और उसके बाद तुम्हें शिफ्ट प्लस डिलीट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, ठीक है? कॉपी नहीं करता ये, ना तो रीनेम करता है, ये डायरेक्टली आपका जो है परमानेंटली डिलीट कर देता है और रिसाइकल बिन में चला जाता है।
सही है। उसके बाद क्या है, एमसीक्यूज नंबर 10 के अंदर ये है कि इन एमएस वर्ड टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट वर्ड कमांड यूज इन कंट्रोल प्लस राइट प्लस एरो है वो यूज करेगा कि इंसर्शन पॉइंट जो होती है, सही है, वो आपका बिगनिंग टू द नेक्स्ट वर्ड कमांड कंट्रोल प्लस राइट प्लस एरो, ठीक है। ट्रिपल लाइन स्पेसिंग जो होता है मतलब डैश लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड। ट्रिपल लाइन, ट्रिपल लाइन बेसिकली क्या है, ट्रिपल लाइन किस तरीके से कर सकते हैं, ट्रिपल लाइन करने के लिए, ट्रिपल लाइन होता क्या है, तो ट्रिपल लाइन बेसिकली करने के लिए जब आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे होते हो तो आप सबसे पहले कंट्रोल ए प्रेस करते हो, तो क्या होता है कि वो पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट को क्या वो सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद फिर आप अपने फॉर्मेट को देखते हो कि भाई जब आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पैराग्राफ आ जाते हैं, ठीक है। तो आप मतलब कि अब स्पेसिंग एरिया जो आपका होता है मतलब कि आपने कितना उसको स्पेस देना है वर्ड्स को, तो आप उसके अंदर मल्टीपल कर देते हो कि भाई मल्टीपल से क्या होगा लाइन स्पेसिंग हो जाएगी इतनी, मतलब कि कितना चाहते हो आप, आपने मल्टीपल कर दिया मल्टीपल लाइन स्पेसिंग। फिर उसके बाद जो है अब डिपेंड करता है मल्टीपल लाइन स्पेसिंग है क्या है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप सेटिंग में जाओगे, आप लाइन स्पेसिंग को बेसिकली जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट पे कर दोगे 3 पे और फिर वो ओके कर दोगे तो आपको वो ट्रिपल स्पेसिंग मिल जाएगा, सही है। उसके बाद हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट, मतलब कि जो आपने अनदर टेक्स्ट पे किया, कॉपी द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन पेस्ट स्पेशल टूल ऑन न्यू है, कॉपी द टेक्स्ट एंड पेस्ट अ न्यू लोकेशन, ऐसा नहीं होता था, सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन फॉर्मेट प्रिंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट। मतलब कि देखें आपके पास एग्जैक्टली एक सेम फॉर्मेटिंग में है, अब आप ऐसा क्या करोगे कि अनदर टेक्स्ट भी उसी की तरह है, सही है, तो आप फॉर्मेट प्रिंटर यूज करते हो। फॉर्मेट प्रिंटर बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर एक ऐसा कमांड होता है जिसे आपको जो आपकी फॉर्मेटिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार आपने मेहनत करी और दूसरे पर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो वो क्या करता है, वो आपको कॉपी कर देता है उसी फॉर्मेटिंग को एक सेल से दूसरे सेल में, और ये काफी अच्छा टूल होता है जो कि आपका बहुत सारा टाइम जो है वो बचा रहा होता है, सही है। और ये बेसिकली होता कहाँ पर है, जब आप ऊपर सबसे फर्स्ट उसमें देखेंगे, सही है, तो आपको वहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर मिल जाएगा। फॉर्मेट प्रिंटर ये करता है कि भाई आपका टेक्स्ट जो होगा जो क्लिक हो रहा है फॉर्मेट प्रिंटर में वही उसी तरीके का फॉर्मेट आपको नेक्स्ट टेक्स्ट में दे देगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, एक्जैक्टली सेम फॉर्मेटिंग में सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द फॉर्मेट प्रिंटर, वही आपको कर देगा। व्हाट शुड यू डू इफ यू रिक्वायर पेस्टिंग द सेम फॉर्मेट इन मेनी प्लेस, मतलब कि अब क्या होता है, अब क्या करना चाहोगे जब आप रिक्वायर होगा कि बहुत सारी जगह पे आपने एक ही फॉर्मेट को पेस्ट करना है, तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, डबल क्लिक द फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर को डबल क्लिक करो देन गो ऑन पेस्टिंग इन मेनी प्लेसेस। मतलब जब आप डबल क्लिक कर दोगे फॉर्मेट प्रिंटर को, आपने जिस वर्ड पे करना है, जिस वर्ड को करना है उसके उसके ऊपर आपने सेलेक्ट किया और फिर आपने डबल क्लिक कर दिया फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर, ठीक है, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि भाई जिस जगह पे आपने करना है वहां पे कर सकते हो। उसके बाद जो है डैश टूल बार कैन यू फाइंड फॉर्मेट प्रिंटर टूल, जैसे फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, पिक्चर टूल बार होता है, ड्राइंग टूल बार होता है, या फिर फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर फॉर्मेट शो हो रहे होते हैं, पैराग्राफ की कितनी लाइन स्पेसिंग करनी है, 3 लाइन स्पेसिंग करनी है, क्या करनी है, कैसी राइटिंग रखनी है, क्या चीज है, सारी चीजें आपको फॉर्मेट में मिलेंगी, किस तरह चाहिए पैराग्राफ, कैसे होना चाहिए, ठीक है, कितने स्पेसेस होने चाहिए। बेसिकली स्टैंडर्ड टूल बार जो होता है वहां आप फाइंड कर सकते हो फॉर्मेट प्रिंटर टूल। स्टैंडर्ड टूल बार जो होता है वो मेन्यू बार के अंदर जस्ट बिलो द मेन्यू बार होता है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे बटन होते हैं जैसे कि भाई न्यू, ओपन, सेव एंड प्रिंट, सबके आपके पास बटन अवेलेबल होते हैं, सही है। फॉर्मेटिंग जो बेसिकली होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार जो होता है, और जहाँ पे आपने अपने टेक्स्ट को लाना है वहाँ पे पेस्ट करो सिंपली। डैश इज द एक्सटेंशन, मतलब कि एक्सटेंशन से मुराद क्या है, 17 है, डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल, मतलब कि कौन सी फाइल, किस टाइप की फाइल्स आपको वर्ड देता है, वर्ड प्रोवाइड करता है, तो वो डॉक की फाइल है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, टेक्स्ट फाइल नहीं है, डॉक की फाइल है, सही है। डॉक फाइल जो होती है वो बेसिकली एक एक्सटेंशन होती है वर्ड फाइल की। डैश ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर, चार्ट का पिक्चर आपको मिल जाएगा, क्लिप आर्ट का मिल जाएगा, वर्ड आर्ट का मिल जाएगा, जिसमें ए बी सी थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइलिश होती है, क्लिप आर्ट में थोड़ी पिक्चर्स होती हैं, चार्ट आपको ये सब मिल जाएंगे कि भाई कैसे क्या, ग्राफ्स कभी भी आपको नहीं मिलेंगे इसके अंदर, इंसर्ट के अंदर, तो ये ग्राफ होगा। 19 के अंदर टू इंसर्ट अ ड्रॉप कैप इन वन ऑफ द ग्राफ यू एक्सेस डैश, आपने जब ड्रॉप कैप अगर कोई भी पैराग्राफ में करना है तो आप क्या एक्सेस करोगे, आप फॉर्मेट एक्सेस करोगे, ठीक है। उसके बाद दैट पोजीशन कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप, आप क्या पोजीशन सेट कर सकते हो, आप 2 पोजीशन सेट कर सकते हो ड्रॉप कैप के लिए, ठीक है। डैश कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट पैरेलल स्टाइल कॉलम, आप क्या चीज़ है जो यूज नहीं करते पैरेलल स्टाइल कॉलम के लिए, फॉर्मेट कॉलम जो होता है उन्हीं सब के लिए आप कर सकते हो। डैश इज यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम, न्यूज़पेपर का स्टाइल में आपको चाहिए तो आप फॉर्मेट कॉलम्स को यूज कर सकते हैं। कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम, कॉलम का अगर डायलॉग बॉक्स ओपन करना तो कैसे ओपन हो सकता है, या फिर आप फॉर्मेट मेन्यूज में चले जाओ, या फिर उसके बाद कॉलम सब मेन्यू में चले जाओ, या फिर आप ऑल्टर प्लस ओ प्लस सी कर दो, या फिर आप डबल क्लिक कर दो कॉलम स्पेस एंड रूलर्स में, मतलब जो आपका ऊपर रूलर बना हुआ है आप उसको थोड़ा सा वो करो, हो जाएगा, सही है। यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम बाय, आप नेक्स्ट कॉलम किस तरीके से हो सकता है, बाय क्लिकिंग विथ योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम, जब नेक्स्ट कॉलम पे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली, या फिर आप ऑल्टर या डाउन और डालोगे तो वो नीचे आ जाएगा। टू ओपन कॉलम बाय बाय क्विकली डबल क्लिक द स्पेस बिटवीन एरिया ऑन रूलर, जब आप डायलॉग बॉक्स को क्विकली वो करना चाहते हो डबल क्लिक करोगे, वो जो ऊपर रूलर बना हुआ है उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास चीज हो जाएगी। यूजिंग डैश ऑर्गेनाइजेशन आर टर्निंग टू ऑटोमेशन इन द वर्क प्लेस एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी,
अब ऑफिस ऑटोमेशन का मैंने पहले भी बताया था कि ऑफिस ऑटोमेशन बेसिकली वैरिड कर रहा होता है, कुछ कंप्यूटर की मशीनरीज होती है या फिर ऐसा होता है सॉफ्टवेयर जो को आपको डिजिटली क्रिएट कर रहा होता है, आपको फिजिकली आप डिजिटली क्रिएट कर रहा होता है, सही है, आपको स्टोर्स या फिर आप उसके अंदर चेंजिंग कर रहे होते हैं। यही बात अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी यूजिंग डैश ऑर्गेनाइजेशन आर टर्निंग टू ऑटोमेशन वर्क प्लेस, मतलब कि वो ऐसा एक ऑटोमेटिक चीज हो गई ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऐसी चीज आ गई जिससे मतलब कि आपके काम में जो होती है एक मतलब कि परफेक्शन भी आती है और आप अपने जो है प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हो। पावरफुल डैश रिड्यूस मैनुअल एफर्ट, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप मैनुअली काम नहीं कर रहे होते हो तो पावरफुल ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम जो होता है आपको मैनुअली काम करने का मैनुअली कम काम करना है रिड्यूस कर देता है। और एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्मॉल स्पेस, छोटे छोटे मतलब कि आपके पास स्पेस भी कम है फिर भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है। ऑफिस ऑटोमेशन इज ऑर्गेनाइजेशन वर्क लोड बाय, मतलब कि इसमें वर्क लोड होते हैं सिंप्लीफाइंग एंड ऑटोमेटेड प्रोसेसेस। उसके बाद बिगेस्ट एडवांटेज, और अब बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, वही है कि आपके काम को आसान बना देता है, वर्क लोड को कम कर देता है, आप इसके अंदर से भाई बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं, आप परफॉर्मेंस इसके अंदर मैटर कर जाती है, सारी चीजें आप क्या रिड्यूस करेगा, साउंड बिजनेस डिसीजन हो जाएगा, गेटिंग ऑल ऑफ द। उसके बाद जो है हाउ मेनी एसेंशियल टूल्स इन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम 5, अब कौन कौन से टूल्स हैं, अब देखो यार ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर भाई एमएस वर्ड भी आता है, एमएस एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, एमएस एक्सेस भी आता है, एक्सेस और एक्सेल में फर्क है, ठीक है, एक्सेस भी आता है और गूगल के कुछ ऑफिस टूल्स भी आ रहे होते हैं, तो ये टोटल 5 होते हैं। अब द यूज ऑफ कंप्यूटर इज टू डैश अ वैरायटी ऑफ ऑफिस ऑपरेशन, अब मतलब आप कंप्यूटर क्यों यूज करते हो, कि आप अपने काम को अंजाम दे सको, आप अपने काम को एग्जीक्यूट कर सको वहाँ, ठीक है, जैसे कि भाई अगर आपने कोई ऑफिस ऑपरेशन मतलब कि कोई ऑफिस में आपको काम मिल गया, ऑफिस से कोई बहुत ज्यादा काम है, तो आप उसे मतलब के वर्ड की मदद से या फिर किसी की मदद से आप अपने काम को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम गिव ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू डैश रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स, मतलब कि आपके पास लार्ज डेटा सेट के ऊपर ये रिपोर्ट देता है और एनालिटिक्स देता है, ठीक है। डैश इज द बैकबोन ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, क्या चीज होती है जो बैकबोन होती है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम की, वैन मैन या फिर लैन, ये बेसिकली होता है लैन। अब लैन क्या चीज होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि बेसिकली स्मॉल फिजिकल एरियाज में यूज किया जा रहा हो, जैसे कि आप ऑफिस में यूज कर रहे हो, फैक्ट्रीज में यूज कर रहे हो, या फिर आप कुछ आपका ग्रुप हो बिल्डिंग्स में वहां यूज कर रहे हो, तो ये बैकबोन है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का लैन, ठीक है, क्योंकि ऑफिस में यूज किया जाता है इसको, ठीक है, और फिर आप फैक्ट्रीज में भी यूज कर रहे होते हैं, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि भाई एक सर्वर होता है और वो सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, बस यही चीज है, इतना समझ लो बस काफी है। द टर्म ऑफिस ऑटोमेशन रेफर टू द कंबाइनेशन ऑफ कंप्यूटर, अब ऑफिस ऑटोमेशन बेसिकली कंबाइनेशन है कंप्यूटर की हार्डवेयर का भी, सही है, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर बेसिकली है, जिसको हम हार्डवेयर बेसिकली होता क्या है, जिसको हम टच कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, तो ये सॉफ्टवेयर के ऊपर भी होता है, इसके अंदर नेटवर्क कनेक्टिविटी भी होती है, सब कुछ होता है इसके अंदर, तो ये ऑल ऑफ दीज है। 35 के क्या है, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू क्रिएट एन एडिटर डॉक्यूमेंट, फाइल्स, स्प्रेडशीट्स और एन इमेज इन ऑफिस, तो डाटा स्टोर, डाटा मैनेजमेंट, कौन सा मतलब कि ऐसा ऐप समझ लो या ऐसी चीज है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर रही होती है, सही है, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के बाद जो है वो उसके ऊपर काम कर रही होती है, सही है, या फिर एडिट कर रही होगी, या फिर सेपरेट शीट्स बना रही होगी एक्सेल के ऊपर, या इमेज कर रही होगी, वो ऑफिस की एप्लीकेशंस होती हैं। सेपरेट शीट्स बेसिकली जो होती हैं वो एक्सेल के अंदर होता है, जो फाइल आप एडिट कर रहे होते हो वो वर्ड के अंदर होता है। लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन डैश वेरियस ऑब्जेक्ट, मतलब कि लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं आपके काम को, और वो खुद भी कंट्रोल कर रहे होते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को। आप इंप्लीमेंटिंग एन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम फैसिलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अगर आप ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम फैसिलिटीज को ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो वो आपके काम की एक्यूरेसी को बढ़ा रहा है, टाइम को आपके कम कर रहा है। अब एक चीज आप अगर मैनुअल लिखो कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे आपके टाइम कम, मतलब कि आपके टाइम को कम कर दिया उसने, और बहुत इन्फॉर्म डिसीजंस होते हैं, डाटा इंसाइट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें। अब ऑफिस ऑटोमेशन रेफर कर रहा होता है वेरी कंप्यूटर मशीनरी एंड सॉफ्टवेयर यूज टू डैश एंड रिलाई ऑफिस इन्फॉर्मेशन नीड टू कम्प्लीट बेसिक टास्क, मतलब कि ये डिजिटली क्रिएट हो जाता है, आप डिजिटली क्रिएट कर, उसको मैनुअल लाने की जरूरत नहीं, आप डिजिटली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, क्रिएट भी कर सकते हो, कलेक्ट एंड स्टोर भी कर सकते हो, आप कोई चीज ले भी सकते हो, कोई फाइल आती है आप उसको भाई कलेक्ट किया आपने, देख लिया, आप उसे स्टोर भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। द टर्म ऑफिस सूट रेफर टू ऑल, ऑफिस सूट जो होते हैं वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद जो है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम इनेबल द ऑटोमेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द डैश इन द ऑफिस, ज्यादातर जो काम होता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में वो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ज्यादा होते हैं, सिस्टम के ऊपर काम नहीं होता, ना मेंटेनेंस के ऊपर काम होता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, लाइक फाइल की एडिट करना, उसको प्रिंट निकालना, उसमें चेंजिंग करना, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। द मोस्ट कॉमनली यूज एप्लीकेशन एरिया ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन आर, मतलब कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हो, मीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो, इसलिए 41 में ऑल ऑफ द अबव हुआ। 42 में क्या है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ, मतलब कि कौन सा फीचर होता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का, ये मैनुअल एफर्ट्स को आपके खत्म ही कर देता है, ठीक है, आपके जो है टाइम को कम कर देता है ये, और आपकी एक्टिविटीज के एनहेंसमेंट ले आता है और साउंड इंप्रूवमेंट हो जाती है, ये ऑल ऑफ द अबव।
डेस्क सॉफ्टवेयर दैट इज यूज इन अकाउंट पर्पस, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो अकाउंट पर्पस के यूज होता है? एमएस एक्सेल, क्योंकि इसके अंदर हम सेपरेट शीट्स बना रहे होते हैं, कुछ फाइनेंस रिलेटेड, कुछ चार्ट्स, कुछ ग्राफ्स, ये सारी कुछ सब एक्सेल से होता है। द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना हो या फिर आपने एडिट करना हो, ये सब कुछ आप कहां से करोगे? एमएस वर्ड से। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर डेफिनेशन फॉर्मूला मोड इन अ सेल, ये सारे एक्सेल का है। अगर एक्सेल में आपने कोई भी फॉर्मूला को बना तो आपने इक्वल टू लगाना है। फंक्शन विच इज यू रीअरेंज डाटा, अगर आप एक्सेल के अंदर आते हैं और वहाँ पे अपने डाटा को, आपका डाटा बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, उसको रीअरेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरा मेरा नाम जैसे कि मुनीब है, तो भाई अब मेरा मुनीब जो है वो बहुत एंड में आ रहा है, बाकी डिफरेंट नाम यासिर, युसरा, ठीक है, फिर जोहा, फिर इस तरीके से जैन, ये सारों के नाम ऊपर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक तरीके से सॉर्ट करके दे देगा कि जिस दो नाम आपका पहले आता है वो पहले कर देगा और जो नाम नीचे दूसरे नंबर पर आता है दूसरे पर कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम पहले आता है मुनीब पहले आ जाएगा, फिर वाई आता है दूसरा और यासिर आ जाएंगे, फिर उसके बाद जेड आता है तो फिर जोआ और जैन आ जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा ये सॉर्टिंग कहलाती है, इसको सॉर्टिंग कहते हैं। अब इफ यू वांट टू चेंज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आपने पूरा डिजाइन चेंज करना है वर्ड डॉक्यूमेंट का, तो आप थीम्स लगाओगे उसके अंदर। मार्जिन लगाने से कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, ना पेज का लेआउट, ना वॉटर मार्क लगाने से, आपका थीम्स लगाने से होगा। और इन द एंड, जो कि हमारे पास आखिरी है एमसीक्यूज, चार्ट बेसिकली जो है क्या हमें क्या बताता है? चार्ट जो होता है डिजाइन बताता है कि भाई ये हम टेबल को डिजाइन करने के लिए बना रहे हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए बना रहे, सॉर्ट करने के लिए बना रहे, या फिर हमें बताता है रिलेशनशिप। ये हमें बेसिकली रिलेशनशिप बता रहा होता है चार्ट कि भाई इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, तो ये रिलेशनशिप ग्राफिकली बता रहा है। पिक्चर की फॉर्म में लिख तो लेते हैं हम, बट वो ग्राफिकली आपको बता रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज मैं सब अपलोड कर दूंगा, आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। इंशाल्लाह न्यू वीडियोस के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I'm not the one who's been waiting for you.